एक दूसरे के विरुद्ध आहार जो कभी साथ में ना खाएं। दूध और कटहल को कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और दूध, सेंधा नमक छोड़कर, दूध और सभी प्रकार की खट्टाइयाँ, दूध और मूंगफली, दूध और मछली एक साथ प्रयोग ना करें। दही गर्म करके नहीं खाना चाहिए, हानि होती है। कड़ी बनाकर खा सकते हैं। शहद और घी समान मात्रा में मिलाकर लेना विष के समान है। जौ का आटा कोई अन्न मिलाए बिना नहीं लेना चाहिए। रात्रि के समय सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना जल मिलाए सत्तू ना खाएं। तेज धूप में चलकर आने के बाद थोड़ा आराम करके ही पानी पिएं। व्यायाम या शारीरिक परिश्रम के बाद तो पानी ना पिएं या थोड़ी देर बाद पिएं। भोजन के पश्चात तेज गति से चलना हानिकारक है। शाम को खाने के बाद थोड़ी देर चलना आवश्यक है। खाना खाकर तुरंत सो जाना हानिकारक है। रात्रि में दही का सेवन निषेध है। भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन निषेध है। दिन में भोजन के बाद मठा और रात्रि में भोजन के बाद दूध लेना लाभदायक है। वात के रोगों में ब्लड एसिडिटी, कफ वृद्धि या संधिवात में दही ना खाएं। सिर पर अधिक गर्म पानी डालकर स्नान करने से नेत्रों की ज्योति कम होती है। जरूरत पड़ने पर गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। सोते समय सिर पर कपड़ा बांधकर सोना, पैरों में मोजे पहनकर सोना, अधिक चुस्त कपड़े पहनकर सोना हानिकारक है। शहद कभी भी गर्म करके ना खाएं। छोटी मधुमक्खी का शहद सर्वोत्तम होता है। तेज ज्वर आने पर तेज हवा, दिन में अधिक देर तक सोना, अधिक परिश्रम, स्नान, क्रोध आदि से बचना चाहिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस जानकारी को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।